एक साधक पूना महाराष्ट्र में अपनी दुकान बंद करने का टाइम हुआ था। बेटे को कहा मैं जाता हूं, थोड़ा जल्दी काम है एक, वहां से सीधा घर आऊंगा, तू दुकान बंद करके आ जाना। नौकर भी था एक साथ में। जब दुकान थोड़ी देर के बाद शटल गिराया तो दो व्यक्ति आए, कह रहे भाई साहब जरा दुकान खोलो ना, मेरे को ये चीज खरीदनी है। तो उसने बेचारे ने शटर खोला तो दोनों लुटेरे थे, एक के हाथ में चाकू था बड़ा, और नौकर भाग गया डर के। तो जिसके हाथ में चाकू था वो सेठ के बेटे की यहां गर्दन पे रखा और दूसरा रुपए बटोरने लगा, और रुपए कहां है क्या देखने लगा। तो गुरुदेव की तस्वीर सामने थी। गुरुदेव ने तस्वीर में से उस जवान को कहा कि तू मेरा शिष्य होकर डर रहा है, मैं डरा था, श्री आसारामण में कभी पढ़ाए कि नहीं, लाए लाठी भाला चाकू, तेरे पास तो एक आया, मेरे पास तो कितने आए थे, 200-300 मछुआरे आए थे हथियार और चाकू लेकर, और तू ये दो से डर गया, हिम्मत कर मैं तेरे साथ हूं। बस उसने पकड़ा चाकू एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसको दो लगा दी। तो एक तो रुपए लेकर भाग गया, ये एक पकड़ में आ गया, पुलिस आ गई। थोड़े दिन बाद उसका साथी भी पकड़ा गया, सारे रुपए भी मिल गए। पुलिस वालों ने कहा वाह भाई तेरे में इतनी हिम्मत कहां से है कि तूने चाकू पकड़ के इसको मार दिया। उसने कहा कि सामने देखो दुकान पर हमारे बापूजी की तस्वीर लगी हुई है, बापूजी कह रहे थे मेरे पास इतने आए लाए लाठी भाला चाकू और तू एक से डर गया। ऐसे एक दूसरे डॉक्टर थे, वो भी राजस्थान में भवानी मंडी, वहां पर उनका क्लिनिक है, डेंटिस्ट है वो, तो उनके वहां भी उनका नीचे क्लिनिक है ऊपर घर है, मैंने देखा है। चार बदमाश आ गए, एक के हाथ में तो बंदूक भी थी, बंदूक रख दी यहां सिर पर, बोले चलो जो इतने रुपए और घर में जितना सोना और रुपए सब दे दो हमको। तो उनको भी गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा दी कि एक अकेले डॉक्टर ने चार को मारा, चारों को पीटा, और ऐसे भागे चारों के बात मत पूछो, डॉक्टर उनके पीछे भागते रहे काफी दूर तक, आ जाओ हिम्मत है तो। चार भाग गए एक डॉक्टर से डर कर। मानसिकता दबी हुई नहीं होनी चाहिए। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप, भक्त तो हो पर कायर न हो। हनुमान जी भक्त हैं राम जी के, राम जी की सेना में रावण के दो गुप्तचर आए थे भेद जानने के लिए, शुक और सारण। जब पकड़े गए तो लक्ष्मण जी ने उनको थोड़ा डांट धमका के भगा दिया। वो दोनों आ गए रावण के पास। रावण ने कहा बताओ उनकी सेना में कौन कौन वीर योद्धा हैं। तो शुक और सारण कहते हैं कि वीर कौन ये तो पता नहीं चल पाया, पर एक सबसे कमजोर आदमी देखा हमने। रावण ने पूछा कौन, तो शुक और सारण दोनों एक साथ बोल पड़े कि हनुमान जी। रावण तो आसन से गिर पड़ा नीचे, और मुकुट भी गिर पड़े उसके। चार उसके साथियों ने संभाला, उठिए उठिए साहब उठिए। ये कैमरा वाले तब नहीं थे, अगर होते तो वो दृश्य अपने को भी देखने को मिलता। उसको उठाया, रावण ने कहा तुम कैसे कहते हो कि हनुमान जी सबसे ज्यादा कमजोर है, समुद्र पार करके वो इधर आए थे, मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार डाला, पूरी लंका में आग लगा दी और वाटिका उजाड़ दी हमारी, और तुम कहते हो वो सबसे ज्यादा कमजोर है, जरूर तुमको कोई भूल हुई होगी। बोले नहीं नहीं, तो तुमको कैसे लगा वो कमजोर है। तब दोनों बोले कि राम जी जब भी सभा में आते थे दर्शन देने को, तो हमने देखा कि हनुमान जी राम जी को देखते ही रो पड़ते थे, उनकी आंख में आंसू आ जाते थे, इसलिए हमको लगा कि ये आदमी सबसे ज्यादा डरपोक है, सबसे ज्यादा कमजोर है, कि राम जी को देखते ही रो पड़ता है। रावण कुछ समझदार रहा होगा, रावण ने कहा मूर्खो ये कमजोरी नहीं है, ये तो उनकी भक्ति है, ये तो उनका राम जी के लिए प्रेम है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई।
तो ऐसी भक्ति जिनके दिल में है वो व्रज जन है, ब्रज। और जो ब्रज जन है उन ब्रज जनों की मुसीबत, गोपियां कहती है कि भगवान दूर करने में बड़े वीर। तो ऐसे इष्ट गुरु के होते हुए अगर कोई भक्त चिंता करे और भयभीत हो तो अब उसको क्या कहा जाए। देखो जीवन के गणित का नियम है कि हम भीतर जितनी गहराई पाएंगे बाह्य जीवन में उतनी ही ऊंचाई पाएंगे। भीतर कम गहराई पाई तो बाहर खास ऊंचाई नहीं आएगी, गहराई के परिमाण में बाहर ऊंचाई प्राप्त होगी। इंद्रियों की ऊर्जा को समेटा बाहर से, बिन जरूरी बोलते नहीं, बिन जरूरी खाते नहीं, कईयों की आदत होती है बस कुछ भी देखा मुंह में डाल दिया, चर करते रहेंगे चलते फिरते, तो फिर उनको बुखार, सिर दर्द, खांसी, पेट दर्द, ऐसी कई बीमारियां उन लोगों को सताती है जो बिन जरूरी खाते। अब शाम को 5 बजे चाय पीने की जरूरत क्या है, पर पियेंगे, आदत से मजबूर, परंपरा चली आ रही है, तो ये भी परंपरा का निर्वाह करते हैं कि 5 बजे चाय का टाइम हो, लाओ पियो। अरे तूने 1 बजे खाना खाया, 2 बजे रोटी खाई, अब तू 5 बजे चाय पीता है, अकल का दुश्मन बनता है, है दुश्मनी करते हैं अपने आप के साथ। फिर बोलते हैं जरा हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, पेट में कुछ खराबी है, घुटनों में दर्द रहता है, जवान आदमी और कमर में दर्द है, पट्टा बांध के घूमता है, जवान आदमी और घुटनों में दर्द है, हद है जवान आदमी, और बोले मेरे को पेट में जरा गड़बड़ रहती है। रोग दूर रहें, दवाइयां दूर रहें, अंग्रेजी दवाओं को दूर से ही राम राम, घर में घुसने ही मत दो, नो एंट्री का बोर्ड लगा, खानी क्यों पड़े। बापूजी जैसा बताते हैं ऐसा ऋतुओं के अनुरूप आदमी खान पान करे, और दिन में जब भूख लगे तभी खाए, जब नींद आए तभी सोए, ऐसा नहीं कि जब भी बिस्तर देखा गिर गए और नींद करने लग गए। कईयों को आप देखो जरा सा पीछे खाली सपोर्ट रखने को कुछ मिल जाए, कुछ खंबा या कुर्सी कुछ मिल जाए बस, तो तुरंत नींद आ जाती। शरीर में मैग्नीशिया लवण की कमी के कारण आदमी को नींद ज्यादा आती है, गाजर का रस पिए खाली पेट तो जरूरत से ज्यादा जो नींद आती है उस पर काबू पा सके। प्राणायाम अच्छी तरह करें, छुआरे 2-3 रात को पानी से धोकर टुकड़ा चबाए और दूध पिए गर्म, तो भी फायदा होगा। और भक्ति होगी, प्रेम होगा, तो कभी जप ध्यान के समय उसको नींद आएगी नहीं। उत्साह नहीं होता है ना साधना में, तो भी जप के समय नींद आती है। श्रद्धा है और उत्साह नहीं है तो भी माला लेकर बैठे, 2-3 माला अच्छी तरह से की, फिर आंखें बंद है ना, बंद आंखों से माला घुमाते 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 माला छूट गई गौमुखी में, गर्दन झुक गई, 15-20 मिनट बाद उठेंगे बोलेंगे आज तो अपना अच्छा ध्यान हुआ भाई, अच्छा ध्यान नहीं हुआ, अच्छी नींद हुई तेरी। तो ये भी कोई बुरा नहीं है, मैं तो कहूं ये भी बुरा नहीं, जप करते करते सो गया ये भी अच्छी बात है, फिल्म देखते देखते सोए उससे तो जप करते करते सो जाए। एक आदमी ने मुझे कहा मुझे जप करते समय कई बार नींद आती है, मैंने कहा कंबल जमीन पे बिछा के लेट जाया कर, लेटे लेटे जप कर, बोले फिर नींद आ जाए तो मैं भले आ जा, नींद आएगी थोड़ी देर के बाद आंख खुलेगी ना, फिर बैठ जाना। तो फिर बोले जाना भी होता है दुकान पर ऑफिस में, तो मैंने कहा जब रात को सोने का टाइम हो तो अपने मन को कहना कि जप के टाइम पे सोया था, अब सोने के टाइम पे जप कर, चल माला उठा, तो भी मन सीधा होगा। कई बार जप करते करते मन नहीं लग रहा हो ना, या नींद आ रही हो अगर किसी को, तो अपने पूजा के कमरे में एक कुर्सी लो, बीच में रखो कमरे में,
और कुर्सी पर गुरु जी की तस्वीर रख दो और परिक्रमा करते करते जप करो, ये भाव करो कि हम अपने गुरुदेव की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते जप करो, देखो फिर गुरु की शक्ति काम करेगी, जिनकी परिक्रमा करते हैं उनकी शक्ति मदद करेगी हमको। भाव भावग्राही जनार्दन भजे हम भवानी पति भाव गम्यम, वो भाव गम्य है भावग्राही जनार्दन। हृदय के भाव से उनकी उनकी कृपा की उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती, और वो भाव आप सभी श्रद्धालुओं में है, तभी तो यहां आकर बैठते हैं इतनी देर तक। यही सच्ची संपत्ति है। मात पिता सब ही मिले भैया बंधु प्रसंग, सुंदर सुत दारा मिले दुर्लभ है सत्संग। दुर्लभ है, भगवत कृपा से सुलभ हुआ है। धोवत है संसार सब गंगा माहे पाप, सुंदर संतन के चरण गंगा चाहे आप। ऐसे संत के गुरु के चरण गंगा खुद जाती है। धोवत है संसार सब, सारे दुनिया के लोग जाते हैं गंगा में, क्यों? गोता लगाएंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धोवत है संसार सब गंगा माहे पाप, सुंदर संतन के चरण गंगा चाहे आप। गंगा स्वयं गदगद होती है, गंगा भी ऐसे महापुरुष के चरण चाहती है। हमारा सौभाग्य हमें उनके दर्शन सहज में सुलभ हो रहे हैं। मुंबई में एक बहन मिली, 3 साल में 21 लाख कर्जा उतर गया। बोले मुझे कोई ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ा, कोई अंगूठियां नहीं पहननी पड़ी, कोई तावीज नहीं बांधने पड़े। बाकी कई लोग दुकान नहीं चलती, कर्जा बढ़ जाता है तो नंग कई पहन लेते हैं, उल्टा अशांति बढ़ जाती, इससे कुछ नहीं होता, भक्ति बढ़ाने से सब हो जाता है। और मासिक शिवरात्रि जरूर याद रखिए, 20 मार्च को। आज 6 तारीख है और आज मंगलवार भी, आज भी सुंदर योग है भौम प्रदोष। तो 20 मार्च मासिक शिवरात्रि और उसके बाद 19 अप्रैल मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि मंगलवार को पड़ती हो तो उस दिन नमक मिर्च न लिया जाए, हर मंगलवार को न कर सके तो ये करें। जिन पर भी कर्जा है उनको जल्दी राहत मिलेगी ये व्रत पालने से। फिर 19 मई मासिक शिवरात्रि, 17 जून मासिक शिवरात्रि, शाम को वो दीपक वाला नियम 5 बत्ती वाला, 17 जुलाई मंगलवार है। मंगलवार वाली मासिक शिवरात्रि सुनो तो उस दिन नमक मिर्च नहीं, बाकी जैसे खाना खाते हैं खा सकते हैं। 17 जुलाई मासिक शिवरात्रि मंगलवार। फिर 15 अगस्त देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त की मासिक शिवरात्रि, देश आजाद हुआ तो हम भी कर्जे से आजाद, अगर किसी के सिर पर। मुझे तब सचमुच बड़ा दुख होता है कि कोई बेचारा इस महंगाई के जमाने में ब्याज भर रहा है, ब्याज लेने वाले भी तो कम थोड़ी होते हैं, वो भी बड़े तेज तरार होते लेने वाले। लेने वालों को भी सोचना चाहिए, कोई गरीब है ईमानदार है तो फिर ब्याज का लोभ छोड़ना चाहिए और उस गरीब की मदद करनी चाहिए। हाँ, और लेने वाले को भी चाहिए कि उसका पैसा चुकाने की तैयारी रखे, ब्याज न दे सके तो उसका पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे। और ब्याज लेने वाले को चाहिए कि सामने आदमी देखे। खैर, 15 अगस्त मासिक शिवरात्रि और फिर सितंबर, इस बार अधिक मास है, हर 3 साल में पुरुषोत्तम मास आता है ना, तो ये इस बार पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास। आपको तो पता होगा अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में
पूरा महीना दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय माना जाता है, उस पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय का पाठ पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में रोज दोपहर को खाना खाने से पहले वो पाठ करके ही खाइएगा। इस साल अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसका फायदा उठाइएगा और रोज अपने आश्रम के कैलेंडरों से जानकारी मिल जाएगी आपको कौन सी तारीख से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। अधिक मास देख लेना, आश्रम के कैलेंडर सबके पास होंगे ही, न हो तो ले लेना। आश्रम के कैलेंडर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तारीख के साथ तिथि भी दी हुई है, तिथि वार सब है, उसका फायदा उठाइए। और घर में से दुख अशांति क्लेश कर्ज आदि को दूर भगाइए। पंद्रहवां अध्याय पुरुषोत्तम मास में दोपहर को रोज हो सके तो करें। फिर 13 अक्टूबर मासिक शिवरात्रि और फिर 12 नवंबर मासिक शिवरात्रि, 11 दिसंबर मंगलवार मासिक शिवरात्रि, 11 दिसंबर मंगलवार मासिक शिवरात्रि, फिर 10 जनवरी मासिक शिवरात्रि, 8 फरवरी मासिक शिवरात्रि, 10 मार्च महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, ओम नमः शिवाय। शिव ज्योतिर्लिंगों में साजे हैं, शिव ज्योतिर्लिंगों में साजे हैं, गुरु सबके हृदय में विराजे हैं, गुरु सबके हृदय में विराजे हैं, यही ईश है जगदीश है, यही ईश है जगदीश है, इन्हें हम भावों से नवाजे हैं, इन्हें हम भावों से नवाजे हैं, शिव ही सबके मंगलकारी है, केदार में कैलाश में, केदार में
आकाश में, कण कण में बसे त्रिपुरारी है, कण कण में बसे त्रिपुरारी है, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। शाम को थोड़ी चर्चा चली थी कि गुरु अष्टकम जो गुरु अष्टकम के बारे में नहीं जानते हैं सेवादारी उनको गुरु अष्टकम की पत्रिका अगर 12 अक्षर अगर हम सचमुच में भक्ति भाव पूर्वक इसका पाठ करते हैं और अपने गुरु के चरणों में प्रीति भक्ति बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक ही विवेकी होकर जो जीवन जीता है वही गणपति के 12 नाम का उच्चारण हर समय कर रहा है। और गणपति जी के 12 नाम का उच्चारण जो करता है उसकी फलश्रुति में नारद पुराण में बताया है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। विद्यार्थी विद्या पाने में सफल हो जाता है, धन पाने वाला, धन पाने की इच्छा रखने वाला धन पाने में सफल हो जाता है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाला पुत्र प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाला मोक्ष पाने में सफल हो जाता है। और बोलते हैं नारद पुराण में कि 6 महीने तक इसका पाठ करे तो सिद्धि प्राप्त होती है। आप बोलना साथ में, फिर गुरु अष्टक का पाठ करेंगे
प्रणम्य शिरसा देवम्, प्रणम्य शिरसा देवम्, गौरीपुत्रं विनायकम्, गौरीपुत्रं विनायकम्, भक्तावासं स्मरेन् नित्यम्, भक्तावासं स्मरेन् नित्यम्, आयु कामार्थ सिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च, प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकम्, एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम्, गजवक्त्रं चतुर्थकम्, गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लम्बोदरं पञ्चमं च, लम्बोदरं पञ्चमं च, षष्ठं विकटमेव च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजं च, सप्तमं विघ्नराजं च, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च, नवमं भालचन्द्रं च, द्वादशं दशमं तु विनायकं, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपति, एकादशं गणपति, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य, न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरं प्रभो, सर्वसिद्धिकरं प्रभो। ते 12 नाम विघ्न दूर करते हैं, पर गुरु अष्टकम और 12 नाम मतलब खाली बाहर से बोलता रहे तो हो सकता है उसके विघ्न दूर ना भी हो, क्योंकि विघ्न आए ऐसे काम जब तक होते रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा ना। इसलिए विवेकी होना सच्ची गणेश पूजा है, और विवेकी कौन होगा? जो सदगुरु का सत्संगी होगा, क्योंकि विवेक सत्संग का बेटा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो गुरु अष्टकम का पाठ करने वाला, वो गुरु में भक्ति बढ़ाने वाला, वो परम विवेकी होगा।